नमस्कार साथियों और असली परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है मैं गिरधारी चौधरी हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग क्योंकि क्लास जो है अभी नौ बजे स्टार्ट हो रही है ठीक है बिल्कुल क्लास को कर देंगे शेयर एक बार ज्यादा से ज्यादा और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है और जहां तक रीट में जो है ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है ठीक है थोड़ा सा अटके करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दो फट मिलके फटाफट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो भी पोर्ट है जैसे बंदरगाह है किस किस चीजों के लिए थे जैसे चोल में कौन से पोर्ट थे या आपने अड़पा सभ्यता में पढ़ते हैं वहां से रिलेटेड थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है तो निम्नलिखित युगवा पर विचार करना है और मिडविल के पोर्ट है मध्यकालीन जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं वहां से खास करके जो है विजयनगर एम्पायर या बहमनी साम्राज्य वहां से तो मध्यकालीन और सामने दे रख है पतन यानी बंदरगाह एक तरफ दे रखा है ताम्र सामने महाराष्ट्र चोल बंगाल पटनम आंध्र प्रदेश उपयुक्त युगम में से कौन सा सही सुमिलित है यह बताना यानी इसमें से कौन सा पैर जो है वो करेक्ट है क्या वन करेक्ट है क्या टू करेक्ट है या फिर थ्री करेक्ट है या इस प्रकार केवल वन और टू करेक्ट है केवल टू और थ्री करेक्ट है केवल थ्री करेक्ट है और केवल वन टू और थ्री करेक्ट है जल्दी से एक बार आंसर बताओ फटाफट सब मिलके एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दो सेशन को जोरदार और होली होली आपकी जो है बिल्कुल ही शानदार रह रही होगी तो जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखो बिल्कुल इसका बताओ इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी केवल थ्री क्या आएगा केवल थ्री यानी इसका मतलब क्या है पटनम ये आंध्र प्रदेश में था ये बिल्कुल ठीक है अब आप खुद बताओ चोल साम्राज्य कहां पर था चोल चोल दक्षिणी भारत में थे तो ये, ये बंगाल में क्या कर रहे हैं यहां पर तो दो गलत हो गया जब आपका दो गलत हो जाता है तो यहां से ये गया दो ये 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 गया 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 यहां यहां से से दो दो और खत्म कुछ नहीं करना था बहुत ही सिंपल और स्वीट आंसर था ताम्रलिप्ति कहां पर है है ये बंगाल में तो ध्यान रखना यह ताम्रलिप्ति एक प्रकार का पोर्ट है एक प्रकार का बंदरगाह है और कहां पर है ये है बंगाल में तो है। है, है। है? ये है बंगाल में ठीक है तो यहां से इतना चीजें आप ध्यान रख लेंगे बाकी यहां से जो है और भी बहुत सारे पोर्ट है जैसे अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई बंदरगा पूछे क्या बताओगे कौन से पोर्ट थे सिंधु घाटी सभ्यता के ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है ठीक है बिल्कुल अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा सेकंड बहुत ही बढ़िया है प्यारा क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड है जैन धर्म यानी ये आप बोल सकते हो धार्मिक क्रांति जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वहां से है प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ कल्प सूत्र कौन सा ग्रंथ कल्प सूत्र जिसमें अंतिम दो जैन तीर्थ करो की जीवनिया संकलित है किसकी रचना की, की गई है ये? ये अंतिम दो जैन संकलित है है ठीक अंतिम दो कौन से हो बताओ महावीर और लास्ट वाले जो एक, एक और थे ठीक है उनकी जीवनिया संकलित है इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी क्या पूछा है प्राचीन जैन ग्रंथ कल्प सूत्र पूछेगा कि कलप सूत्र किससे संबंधित है कल सूत्र तो ध्यान रखना जैन धर्म से जैन धर्म से ठीक है जैन धर्म से बिल्कुल इसका बताओ आंसर क्या होगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोटिलिय द्वारा भद्रपहु द्वारा अश्वघोष द्वारा स्तूल भद्र द्वारा देखो आंसर तो सिंपल है कोटिलिय कर रहा है ये तो मौर्य काल में था सॉरी जो हा बिल्कुल मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तो ये यहां क्या कर रहा है नहीं अश्वघोष अश्वघोष कहां पर आएंगे आपको पता है हमने डिस्कस किया था सात वाहन वहां पर अश्वघोष आएंगे ठीक है तो अश्वघोष भी आंसर नहीं है अब पीछे बचे भद्रबह और स्तूल भद्र द्वारा तो आंसर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा भद्र ठीक है भद्र इसका राइट आंसर है पूछा क्या है कि प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ कल्प सूत्र जिसमें अंतिम दो जैन तीर्थकों की जीवनियां संकलित है की रचना भद्र द्वारा की गई ठीक है बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके टाइम ही हीनयान और महायान जो दो बौद्ध धर्म है दो भागों में बट गया था तो जो हीन हीनयान धर्म के है, और महायान धर्म के इनके नाम कुछ और बोलते हैं हीनयान इनके पद के आगे लगाते हैं इसके आगे लगाते हैं अहर्थ क्या लगाते हैं अहर्थ अहर्थ कहलाए हीनयान और महायान क्या कहलाए बोधिशत्व महायान क्या लाए महायान क्या कहलाए बोधि कहलाए ठीक है तीज़ तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ये इनकी फिलोसॉफी थी कि हीनयान और मायान फिर उसके बाद बोध धर्म की कौन सी संगीति में जो है ये अलग हो गए सब उसमें दे रखा है त्रिपिटक किस में आई इसके अलावा जो अभिदम पिटक है वो क्या तृतीय संगीति में आयोजित हुआ था क्या तृतीय बोध संगीति कहां पर हुई ठीक है इस तरीके से तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है इंपॉर्टेंट है और यहां से पूरी डिस्कस डिटेल में बता दिया इन्होंने ठीक है तो ये बोध संगीति कुषाण राजा कनिष के संरक्षण में ठीक है और वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई ठीक है वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे बिल्कुल ठीक है इस संगीति में बोध धर्म का दो संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजन हो गया उपयुक्त गद्यांश में से किस बोध संगीति का वर्णन किया जा रहा है बताओ उपरोक्त उपयुक्त गद्यांश में से किस बौद्ध संगीति का वर्णन किया जा रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पहली याद करो राजग्रह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर ठीक है तो कुंडलवन कश्मीर की जो है वो है वो तो फोर्थ जो इसका राइट आंसर है फोर्थ अब इनके अध्यक्ष कौन थे वसुमित्र किसके शासनकाल में हुई कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में ठीक है यहां से ही दो संप्रदाय में बट गया महायान और हीनयान में कौन बौद्ध धर्म पूछा जाएगा कि महायान और हीनयान क्या है तो वो धर्म से संबंधित शाखा है ठीक है कि इस हरेक के। कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ। अगला, अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपको पता है ये सट दर्शन सट दर्शन उससे रिलेटेड है और इससे गारंटी एक न दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं निम्नलिखित दर्शनों में से कौन से अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी थे कौन से दर्शन अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी थे भौतिकवादी थे ठीक है एक होते हैं भौतिकवादी मटेरियलिज्म टाइप से और इसके अलावा एक आध्यात्मिकवादी तो जो पूरी तरीके से जो है ईश्वर में विश्वास करते थे वो उस टाइप के तो अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी थे सांख्य मीमांसा वैशेषिक और लोकायत और लोकायत फोर्थ का आंसर क्या होगा फोर्थ का आंसर बिल्कुल इसको आप आराम से कर लोगे ठीक है इसका आंसर बताओ कौन सा होगा अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी थे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है सही उत्तर सही उत्तर क्या होगा फोर्थ का जल्दी से एक बार कर दो शेर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो जाओ सब इसका बताओ क्या होगा फोर्थ का फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी वन थ्री और फोर ये थे कौन से देखो ये तो सबको पता है लोकायत लोकायत दर्शन लोकायत दर्शन और इसके अलावा इसको ओ एक दर्शन और उसको दर्शन भी कहते हैं लोकायत तो यहां से आंसर आएगा वन थ्री और फोर मीमांसा नहीं है मीमांसा मीमांसा में कौन सी दो मीमांसा है एक पूर्व मीमांसा जमीनी द्वारा और एक उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा ठीक है बादरायण और ये ये जमीनी द्वारा और बाधरायन से ही आप पढ़ते हो जब अलग अलग प्रकार के जो दर्शन होते हैं उसमें आप बाधरायण के सूत्र से कि द्वैत थ्योरी किसने दी ठीक है और शुद्धाद्वेत थ्योरी किसने दी इसके अलावा द्वैताद्वेत थ्योरी किसने दी अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया ये सब चीज़ें वहाँ से पूछी जाती है द्वैतवाद कोई पूछे तो रामानुजाचार्य और शुद्ध अद्वैत कोई पूछे तो वल्लभा अद्वैतवाद कोई पूछे तो शंकराचार्य उनकी पीठ कहां पर संप्रदा है संप्रदाय कौन सा है वहां से बार बार, बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो सब इसके अंतर्गत है उत्तर मीमांसा के अंतर्गत बाकी सठ दर्शन कौन से हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनको बोलते हैं सठ दर्शन इसमें सांख्य है मीमांसा है वैशेषिक है न्याय है ठीक है योग है ये सब जो इसके सठ दर्शन है पूछा जाता है कि से ष दर्शन कौन सा नहीं है या सर दर्शन का उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब तो ध्यान रखेंगे वन थ्री और फोर इसका आंसर है भौतिकवादी थे ये अगला है मौर्यालीन कला से इसको ढंग से अटेम्प्ट करना क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला एक बार कर दो सैर एक बार इसका मौर्यालीन कला और संस्कृति पूछा क्या है कला और संस्कृति आराम से देखना एकदम कला और संस्कृति से पूछा है आर्ट एंड कल्चर ठीक है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संगमरमर का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया क्या किया गया क्या मौर्य काल में स्तंभ एकाश्म और अत्यधिक पॉलिशदार थे हमने पढ़ा है अशोक के जो भी स्तंभ है 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 वो क्या है? स्वतंत्र है, एकाश्म मोनोलिथिक ये बिल्कुल हो सकता है पिलर एकदम एकाश्म यानी एक ही पत्थर से या सिर्फ एक ही चीज से बने मोनोलिथिक है क्या है मोनोलिथिक और अत्यधिक पॉलिशदार थे जब हम अशोक और डेरी की तुलना करते स्तंभों की तब बोला जाता है कि डेरियस के जो पिलर थे वो नालीदार थे ठीक है वहां पर सीधा कमल मिलता है वहीं अशोक के जो है स्तंभों पर उल्टा कमल दिखता है साथ में अशोक के जो स्तंभ है उन पर पशु आकृतियां बनाई जाती है ठीक है वहां दिखती है और जो इसके अलावा जो डेरियस के वहां पर मानव आकृतियां ज्यादा मिलती है ठीक है ये सब इसमें डिफरेंस है बाकी अशोक के जो अभिलेखों की खोज पहली बार की थी वो टिफेन तलर ने की थी और पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने ठीक है यहां से इतना ध्यान रखेंगे और उन्होंने वरद स्तर पर पत्र की चिनाई प्रचलित की पत्र की चेन्नई इनमें से कौन सा सही है क्या दो सही है अगर दो सही है तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर भी है दो स्टेटमेंट यहाँ पर भी है दो स्टेटमेंट यहाँ पर ही इसका मतलब केवल एक और तीन कट जाएगा ठीक है व्यापक स्तर पर उपयोग हुआ था क्या जब हम मौर्य काल में खास करके कौन सी अमरावती कला और मथुरा और गंदार तब हम पढ़ते हैं तब संगमरमर का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है ज्यादा से ज्यादा लाल बलुआ पत्थर का मिलता है वहीं जो लास्ट शैली है गांधार मथुरा अमरावती अमरावती में थोड़ा बहुत संगमरमर का प्रयोग मिलता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ राइट आंसर ये बिल्कुल ठीक है टू और थ्री व्यापक स्तर पर नहीं बस थोड़ा सा किया गया था क्योंकि व्यापक स्तर पर तो कहां जाके हुआ था मौर्य काल में सॉरी गुप्त काल और खास करके मुगल काल में व्यापक स्तर तो जब भी ऐसे की हुआ है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब एक गलत हो गया यहां से तो यहां से आंसर जो आएगा टू और थ्री बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं स्तर पर पत्थर की चिनाई प्रचलित थी क्योंकि अगर मैं बात करू रॉक कट गुफा की तो मौर्य काल में कई कई गुफाएं थी एक तो थी बादामी गुफाएं बादामी जिसके अंदर करण सुदामा विश्व झोंपड़ी ठीक है लॉमर्स रस्सी की गुफाएं थी ऐसे करके वहां पर थी ठीक है तो ये कुछ यहां पर केव थी इसके अलावा कुछ टेम्पल भी थे किसी को टेम्पल याद है कोई एक दो टेम्पल जो मौर्य काल में बने हो मौर्य काल में बने हो और स्तंभ बिल्कुल ठीक है ये दो सही है जब अगर दो सही है तो स्टेटमेंट हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे अगला क्वेश्चन कर्म प्रभात और कसाय प्रभात किसके द्वारा मान्यता धार्मिक रचना है यह बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके क्योंकि बहुत कम लोगों ने यह सुना हुआ है पूछा क्या है कर्म प्राभत, और प्राभत किसके द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक रचना है क्या है महायान बोध धर्म हीनयान बोध धर्म स्वेतंबर जैन और दिगंबर जैन बात हुई है बोध और जैन की छठे का आंसर क्या होगा वॉट इज द दिक्स का राइट आंसर बिल्कुल क्लास को कर दो एक बार शेयर सब हिना मीना जीना जितने भी मिलके सब एक बार शेयर कर दो क्लास को बताओ इसका है दिगंबर जैन दिगंबर जैन द्वारा जो है ये लिखी गई थी कर्म प्राप्त और कसाय प्राप्त ऐसे ही आपको पता है बौद्ध धर्म में दो संगीत चार संगीतियां हुई थी वही जैन धर्म में दो संगीतियां हुई थी जैन धर्म में जैन धर्म में दो संगीतियां हुई थी ठीक है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बीच में तुलना करनी है देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपका कंसेप्ट खोलते हैं डरा मत करो ऐसे क्वेश्चन से ठीक है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जैन संघों ने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया आपस में ध्यान से पढ़ना केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जबकि बौद्ध संघों ने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को प्रवेश दिया आपको पता है कि पहले बौद्ध धर्म भी स्त्रियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं देता था लेकिन खास करके जो धाई धाई माँ थी किसकी मतलब एक तरीके से जो है गौतम बुद्ध थे भगवान बुद्ध इनकी छोटी उम्र में जो है माता जिनका नाम क्या था उनका निधन हो गया ठीक है उसके बाद जो है दूसरी मतलब जिसका लालन पाषण किया वो थी गौतमी गौतमी थी शायद तो उस उसको जो है संघ में प्रवेश दिया था पहला स्टेटमेंट दोनों आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे क्या मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग तो राइट आंसर क्या होगा बताओ राइट आंसर क्या होगा यहां से क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है यहां से जैन संघों ने केवल पुरुषों को प्रवेश दिया यहां पर मेरा वन स्टेटमेंट मुझे लग नहीं रहा है सेवंथ का सेवंथ का जो राइट आंसर क्या होगा एक बार फटाफट शेयर कर दो थोड़ा सा थोड़ा सा शेयर कर दो बढ़िया सा एक बार शेयर कर दो ठीक है यहां पर दोनों ही गलत है न एक है न दो है क्योंकि दोनों आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के इनके जो है फिलोसॉफी है मध्यम मार्ग का अनुसरण वही बौद्ध धर्म करता है वही जैन धर्म खास करके केवल्य केवल्य ठीक है फाइनल जो स्टेज है वो है केवल ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष तो वो है तो मध्यम मार्ग अगर पूछे तो भगवान बुद्धि है तो दोनों गलत है ना तो एक है और ना दो है ठीक है ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में क्योंकि एग्जाम को कम से कम दो तीन साल हो गए और दो तीन साल में ऐसे क्वेश्चन जो है दो तीन साल में पैटर्न एग्जाम का चेंज हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से तो आप वहां पर ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन सलेखना या संथारा ये तो कई बार आपने सुनी होगी और कोर्ट में भी जाती है कि छोटे छोड़ छोटे बच्चे जो होते हैं किस धर्म के वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं ठीक है, है ये आपने सुनी होगी सलेखना खास करके जो अपना कौन चंद्रगुप्त मौर्य था चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य काल में उसने जैन धर्म ग्रहण किया था तो उसने सलेखना पद्धति धारण की थी तो अभी मैंने बता दिया वैसे सलेखना या संथारा प्रथा किससे संबंधित है कोर्ट में है ये, मतलब ऐसा माना जा रहा है 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 कि गलत ठीक गृहस्थी से संबंधित अपने कर्तव्यों के परित्याग से कुछ लग नहीं रहा है जैन धर्म में मृत्यु तक उपवास रखने के धार्मिक संस्कार से सलेखना मतलब जब तक मृत्यु नहीं होगी तो कुछ नहीं खाऊंगा तब तक और चक्र घूमने के साथ मंत्रोसार से और बुद्ध और देवताओं की उपासना में नहीं ऑप्शन क्या होगा बी बी इज द राइट आंसर ठीक है अगला एलोरा की गुफाएं क्या बात है क्या बात है, बात है? अल्टीमेट अल्टीमेट ठीक है आज थोड़ा मैं विस्तार से कम बता रहा हूं जब हम बाद में मिलेंगे तब विस्तार से पूरी चीजों को बताऊंगा यहां पर एलोरा की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इन चित्रों को अजंता के चित्रों की चित्रण अवधि के दौरान चित्रित किया गया था क्या पूछा है इन चित्रों को अजंता के चित्रों की चित्रण अवधि के दौरान चित्रित किया था यह चित्र तीनों धर्मों हिंदू जैन बौद्ध से संबंधित है मैंने आपको बताया है कि अजंता प्योर बुद्धिस्ट है प्योर लेकिन वही एलोरा सेकुलर है वही एलोरा जो गुफा है वो सेकुलर है ठीक है ध्यान रखना अजंता के अंदर कितनी गुफाएं किसी को याद है अजंता के अंदर कितनी गुफाएं हैं किसी को याद है क्या बताओ तो ये ठीक है दो तो ठीक है निम्न में से कौन सा सही है बताओ और इन क्षेत्रों को अजंता के क्षेत्रों की चित्र अवधि के दौरान किया गया था यहां पर नाइन का वन लग रहा है क्या नाइन का वन नाइन का वन लग रहा है क्या बिल्कुल तो आंसर क्या है इनकी अवधि के दौरान नहीं किया गया था अलग अलग प्रकार के चित्र मिलते हैं सातवां में अलग मिलते हैं मौर्य काल में गुप्त काल में कुछ अलग मिलते हैं गुप्त काल में कुछ गुफाएं सोलह और सत्रह गुफाएं सोलह गुफा में मरणासन राजकुमारी का है वहीं सत्रह गुफा में अलग दिखता है ठीक है ऐसे करके दे दे रखे हैं चित्र तो उसी अवधि के दौरान नहीं बने थे धीरे धीरे बने थे ठीक है तो ये एक गलत हो जाएगा जब एक गलत हो जाएगा केवल टू बचेगा केवल टू राइट है ये ठीक है ये बिल्कुल ठीक है ये सेकुलर थी क्या थी धार्मिक सहिष्णु थी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि केवल बोध नहीं है और भी धर्म जो है यहां पर इनके फोटो वोटो मिलते हैं अगला भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रयाग करता है प्रयाग प्रशस्ति। सबको पता है प्रयाग प्रशस्ति? मौर्य काल से रिलेटेड है यहां पर प्रयाग प्रशस्ति के जो निर्माण करता है वो है हरिसेन ठीक है बिल्कुल उत्खनन करता बोल दो आप इसमें बीरबल के लेख मिलते हैं रानी का लेख मिलता है

आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतों का और कलिंग पर अशोकी विजय का कलिंग पर अशोकी विजय का कलिंग पर अशोकी विजय का बताओ ये भी प्रयाग प्रशस्ति एक है दूसरा प्रयाग समुद्र गुप्त वो थोड़ा सा अलग है ना इसका बताओ ये है समुद्र समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता प्रयाग प्रशस्ति इस प्रयाग प्रशस्ति में ये गुप्त काल से रिलेटेड एक प्रयाग प्रशस्ति और भी है ठीक है तो घबराने का नहीं बिल्कुल ठीक है अपन ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं घबराने का नहीं कतई जेर क्वेश्चन ठीक है अगला अच्छा आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे कोई बताएगा आजीवक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय और आपको पता है अशोक सार था ना बिंबी सार भिंभी सार ये उससे रिलेटेड था ये उससे रिलेटेड था अब बता दो क्या होगा एक बार समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हाँ इनकी जानकारी हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है वही इस वंश का सबसे महान शासक था बिल्कुल ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अगला इसमें जो ऐसा बोला जाता है कि समुद्र ने छह प्रकार के सिक्के चलाए थे गरुड़ प्रकार के सिक्के अशुमे यज्ञ प्रकार के सिक्के वीणा वादन परशु प्रकार के सिक्के धनुर्धर व्याग्रहता ये सबके सिक्के यहाँ पर मिलते हैं इस इसके दौरान इतिहासकार किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है ने ठीक है स्मिथ ने क्वेश्चन इसका बताओ निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ संगीतात्मक रचना दे रखी है दूसरी तरफ लेखक दे रखे दूसरी तरफ लेखक दे रखे ठीक है संगीत सुधाकर सामने लेखक सी मतंग और सतूर दंडी प्रकाशिका वेंकटमुखी उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है एक बार आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमिलित है ठीक है जल्दी से एक बार आंसर दे दो इस क्वेश्चन का ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट एक बार आंसर देते जाओ ग्यारह का ग्यारह का इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा केवल टू और थ्री संगीत सुधाकर किसने दी पता है आपको संगीत सुधाकर ये कलन तो राज तरंगिणी वाला था तो अगर ऑप्शन वन आप अगर करते हो तो ऑप्शन वन यहां से गया ऑप्शन वन यहां से गया अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा बी और डी बी और सी बी और सी में से अब आपको जो है अटेम्प्ट करना है ठीक है बिल्कुल और वह देसी ये मतंग द्वारा है बिल्कुल ठीक है कवि मतंग द्वारा और सतुर दंडी प्रकाशिका वेंकट द्वारा तो ये थोड़ा नया है इसको ध्यान रखना क्योंकि नंबर वन लाइन में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सतुर दंडी प्रकाशी का की रचना किसने की किसने की वेंकटमुखी ठीक है वेंकटमुखी इसका राइट आंसर है अगला तो आंसर इसका क्या होगा बताओ इसका आंसर सी ऑप्शन है सी केवल टू और थ्री अगला क्वेश्चन बारह निम्नलिखित में से कौन सा कथन मगध के संबंध में सही नहीं है मगध आपको बताया था मगध महाजनपदों में सोलह महाजनपद जिनका उल्लेख अंगूत्र निकाय खुदक निकाय और भगवती सूत्र यहाँ पर मिलता है ठीक है वहाँ तीन जो लेख है उनमें मिलता है इसका ग्रंथों में कि सोलह महाजनपद थे प्राचीन काल में और एक खास करके सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था वो कौन सा था मगध था कौन सा था मगध था ठीक है मगध में कुल सात वंशों ने शासक किया मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक हसीन मसूक सा हसी न मसूक सा ठीक है यानी हरियक सिु नंद मौर्य कणव और सातवान इतना बड़ा एम्पायर था बिंबिसार के नेतृत्व तो में मगध में प्रख्याति प्राप्त की मगध ने एक गलत है तीन सही अवंति के साथ मगध की प्रतिद्वंदता उदीन के शासन में पूरी तरीके समाप्त होगी उदीन के शासन उदीन ने वही पाटलिपुत्र बचाया था ठीक है पूरी तरीके से समाप्त हो गई थर्ड शिशु नाग वंश मगध में हर एक वंश उत्तराधिकारी बना तो शिशु के बाद कौन सा बना हर एक ठीक है, नाग में बना। है। राज... राजगीर मगध की आरंभिक राजधानी थी तो यहां पर सोलह महाजनपुर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि सेदी का सुक्तिमती हो गया ठीक है इसके अलावा जितनी भी है अपने सूरसेन का क्या हो गया और विराट किसका हो गया ये सब जो है जिनकी सोलह महाजनपद जिनकी जितनी भी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए कहां पर थे दक्षिणी भारत में कौन सा महाजनपद था ठीक है पूर्वी भारत में कौन सा था उत्तर में कौन सा था आटक कहां पर था कंबोज कहां पर था सारे के सारे महाजनपद पता होने चाहिए ठीक है यहां से जो आंसर हो जाएगा वो ये गलत ही है अवंती के साथ अवंती के साथ मगध की प्रतिद्वंदता उद्दीन के शासन में पूरी तरीके से समाप्त हुई ये गलत है बाकी ठीक है ये याद करना राजगीर मगध की आरंभिक राजधानी थी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी इसकी राजगीर ठीक है अगला गंधार कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए गंधार कला से रिलेटेड ये हमने डिस्कस किया था एक दिन दोनों ही पढ़ी थी कौन सी गंधार मथुरा अमरावती तीनों ही पढ़ी थी हमने पूरी डिस्कशन किया था कपड़े कैसे पहन रखे हैं किसका जो है स्वरूप यहां पर उल्लेखित होता है ठीक है भगवान बुद्ध कैसे दिखते हैं क्योंकि इस शैली में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में किया गया अगला इसने इसमें दूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया ये बिल्कुल ठीक है कोई डाउट नहीं है अमरावती में संगमरमर का है बाकी जगह दूसर बलुआ का है शांत सिद्ध और भाव बोधकता इन मूर्तियों का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है भाव बोधकता इन मूर्तियों का देखो मथुरा में आप याद रखो गंधार। गंधार में भगवान गुष्ट बॉडी गार्ड की तरह दिखते हैं बॉडी गार्ड ठीक है घुग्राले बाल एकदम तो वहां से हमें क्या झलकता है मेटेरियलिज्म मेटेरियलिज्म झलकता है मेटेरियलिज्म झलकता है तो ये जो लग रहा है शांत सिद्ध और भाव बोधकता ये मुझे लग रहा है मथुरा से मथुरा कला से किससे लग रहा है मथुरा कला से जब तीन गलत है तो तीन यहां से काटो तीन तीन और तीन अब पूछा है कौन सा सही है कौन सा सही है तेरा का आंसर बताओ तेरा का तेरा का आंसर क्या होगा शांत सित और भावबोधकता इन मूर्तियों का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है शांत सित गंधार कला शैली में तो इसका आंसर तो हो जाएगा वो क्या होगा केवल वन और टू केवल वन और टू इसका राइट आंसर है क्योंकि ये मथुरा का है मैक्सिमम मथुरा का है गंधार का भी हो सकता है लेकिन कुछ कह नहीं सकते ये बिल्कुल ठीक है पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में चित्रित किया गया है ठीक है यह बिल्कुल ठीक है अगला क्वेश्चन अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा अटके है सट दर्शन से ही है लेकिन इसके बारे में थ्योरी पूछी गई है तो इसको ढंग से पढ़ना आप इस दर्शन संप्रदाय का मानना है कि तब तक कुछ भी स्वीकार्य नहीं है जब तक कि वह तर्क और अनुभव के अनुसार न हो इसे तार्किक चिंतन की तकनीक माना जाता है उपयुक्त परिषेद में निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है किस दर्शन वर्णन का चौदह का आंसर चौदह का आंसर क्या होगा किसके बारे में तार्किक चिंतन की तकनीक लॉजिकल से आपको जो है विचार करना है लॉजिकल से बताओ न्याय इसका राइट आंसर है न्याय न्याय ठीक है अगला अभंग अतिभंग शब्द संबंधित है जल्दी जल्दी एक बार नोट कर लो इन चीजों को ये क्या है ये नृत्य मुद्रा है क्लासिकल डांस कितने छह ठीक है तो सारे क्लासिकल डांस आपको पता होने चाहिए उड़ीसा में कौन सा है ठीक है और असम में कौन सा है और कुछपुड़ी कहां का है कथकली कहां का है ठीक है ये सब तो नृत्य मुद्राओं से रिलेटेड है सम भंग अभंग और अति भंग थे। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त न कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगला वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था हरिशैन उसका दरबारी कवि था हरिशैन तो हरिशैन से तो याद आता है प्रयाग प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त के टाइम थी तो क्या ये हो सकता है और निम्न में से कौन सा सही है कौन सा सही है सोडा का आंसर सोडा का आंसर तो क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है सब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गलत है गुप्त का अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में फटाफट अगला तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी अगला जल्दी जल्दी सत्रह निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए ये आगे राजधानी महाजनपद और राजधानी अंग संपा बिल्कुल ठीक है वजी विशाली अवंती कोसाम्बी मगध राजगृह उपरुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है उपरुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है सत्रह का आंसर क्या होगा सत्रह ठीक है तो इसका है केवल ये सही है ये सही है ये अवंती गलत है अवंती अवंती की जो है राजधानी कौन सी है कोसाम्बी नहीं है कोसाम्बी अवंती बिल्कुल अवंत एक पोर्टली दून करके एक राजधानी है पोर्टली दून किसकी है पोर्टली दून देखो यही होता है हम क्या चीजों को थोड़ा सा बस रिलेट कर लें तो मजा आ जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन इजीली आते हैं आराम से सॉल्व कर लोगे आप वही अपना कौन बाहुबली वाली अवंती माहेशमती या उज्जैनी या उज्जैनी और जनपद की देखोगे तो कंबोज की आटक है गंदार की तक्षशिला है ठीक है कुरु की इंद्रप्रस्थ है पांच साल की सत्रपुर कापिले ठीक है कौशल की श्रावस्ती है अयोध्या मल्संघ की कुशीनारा है पावापुरी वजी संघ की विदे है अंक की संपा है मगध की दो रा, तीन राजधानी गिरिवर्ज है राजगृह है और पाटलिपुत्र जो उदय ने बचाया था फिर काशी की वाराणसी है सूरसेन मथुरा है ठीक है मत्स्य विराट नगर है सेदी सुक्तिमती है और कोसाम भी है किसकी वत्स की अवंती उज्जैनी की अस्मक की पोटली ये सब जो है महाजनपद थे तो आंसर क्या होगा केवल वन टू और फोर ठीक है अवंती की माएसमती उज्जैनी क्वेश्चन बढ़िया है और चित्रकारी से रिलेटेड है टेम्पेरा टेम्पेरा चित्रकारी शुष्क प्लास्टर पर की जाती है जबकि फ्रेंस को चित्रकारी गीले प्लास्टर पर की जाती है दोनों शैलियां अजंता और बाघ की चित्रकारी में पाई जाती है टेम्पेरा भी मिलती है और फ्रेंस को भी मिलती है पूछा है कौन सा सही है कौन सा सही है यहां से अठारह का अठारह का राइट आंसर ठीक है तो बिल्कुल दोनों ही सही है टेम्पेरा शुष्क प्लास्टर यानी ड्राई प्लास्टर सिर्फ प्लास्टर उसके साथ पानी नहीं मिलाया जाएगा वहीं ये गीले प्लास्टर पर और ये चित्रकारी आपको है ना रॉक कट जो टेम्पल है या फिर जो जो पर ऐसी दिखेगी कि बिल्कुल ही आज भी प्रॉपर दिखती है है खत्म नहीं हुई है इस तरीके से तो दोनों ही राइट है वन और टू। अगला क्वेश्चन है बढ़िया जैन जैन ग्रंथ का है जैन धर्म से रिलेटेड है कविराज मार्ग रवि कीर्ति द्वारा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है किसके द्वारा रवि कीर्ति द्वारा कौन सा कवि राजमार्ग चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी किसने दी थी भद्रबाहु ने जैन धर्म को राष्ट्रकूट और कदम राजवंशों द्वारा संरक्षण दिया गया बताओ क्या होगा जैन धर्म को राष्ट्रकूट और आपको पता है वो धर्म को पाल वंश ने संरक्षण दिया था पाल जिसका संस्थापक गोपाल था वही पालवंश उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उन्नीस का राइट आंसर ठीक है तो देखो टू और थ्री राइट है रवि कीर्ति ये कविराज मार्ग की नहीं है कविराज मार्ग की रवि कीर्ति द्वारा रचित ग्रंथ कविराज मार्ग नहीं है क्या है कविराज मार्ग नहीं है ठीक है कविराज मार्ग नहीं है कविराज मार्ग नहीं है तो क्या होगा बताओ कन्नड़ की है अमोग वर्ष द्वारा लिखी गई थी यह राष्ट्रकूट वंश का था अमोग वर्ष इसके द्वारा लिखी गई थी ये रवि कीर्ति द्वारा नहीं है रवि कीर्ति द्वारा नहीं है ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका बताओ तो टू और थ्री इसका राइट आंसर है टू और थ्री ये ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य को भद्रबाह ने भद्रबू ने दी थी भद्र और स्थल तो दिगंबर वाले दिगंबर ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी यानी चंद्रगोर्य कौन सा धर्म ग्रहण किया था दिगंबर दिगंबर जैन धर्म ग्रहण किया था दिगंबर ठीक है बिल्कुल और बाकी ये ठीक है जैन धर्म को याद करो राष्ट्रकुर और कदम राजवंशों ने वही बोध धर्म को पाल वंशों ने पाल वंशों ने पाल वंशों ने ठीक है अगला

ईश्वर में विश्वास करता है ठीक है यह मानव जीवन में सभी क्लेशों से मुक्ति पाने का उपाय बताता है यह वाला यह मन शरीर और आत्मा के संयोजन में विश्वास करता है बताओ कौन सा सही है इसमें से राइट आंसर बीस का बीस का राइट आंसर देखो टू और थ्री यह गलत है यह गलत है बस क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसका भाई ये दर्शन है सट दर्शन है तो ईश्वर में विश्वास करता है ईश्वरवादी है अगर कोई पूछे निम्न में से कौन सा दर्शन अनिश्वरवादी है तो क्या बताओगे बौद्ध, जैन और सारवाक ये भगवान विश्वास नहीं करते ठीक है तो आंसर क्या होगा केवल टू और थ्री योग कर्मसु कौशलम गीता में भी बोला है योग कर्मसु कौशलम अगला बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बताओ ये आत्माओं के देहांतरण में विश्वास करता था किस पर आत्माओं के देहांतरण में विश्वास करता था इसने कठोर संयम और तप के मार्ग का समर्थन किया कठोर संयम इसने उपदेश दिया कि जीवन में अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है निर्वाण कौन सा कथन सही है एकीश का एकीश का क्वेश्चन है टोटल फिर उसके बाद अपन क्लास को करेंगे एंड ये आज का इक्कीस का बताओ इक्कीस का इक्कीस का जो राइट आंसर होगा वो ये नहीं है इसने कठोर संयम और तप के मार्ग का नहीं किया मध्यम मार्ग केवल मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग का ठीक है, बिल्कुल ठीक है तो आंसर होगा वन और थ्री और जीवन में अंतिम उद्देश्य निर्वाण अगर वही धर्म जैन धर्म का ये थोड़ी सी अपर स्टेज है निर्वाण से ऊपर केवल अगला निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आर्थिक स्थितियां वेद, काल से जुड़ी हुई थी तो एक काल से याद करवा देते हैं कि क्या कितना सही होता है आपका स्टेटमेंट कौन सी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां काल में महिला दास विद्यमान थी निदास प्रथा थी सुद्रो के रूप में सेवक वर्ग का अभाव था ठीक है युद्ध की लूट राजा के रसों का एक बड़ा स्रोत था आपने नाम सुना होगा कौन सा विद्युत एक संस्था थी सबसे प्राचीन संस्था यहां पर लूट माल की संस्था थी विद्युत ये ऋग्वेदी ये काल में थी बिल्कुल थी उत्तर वेदी काल में खत्म हो गई थी तो तीन तो राइट है जब तीन राइट है यहां से एक गया पुरोहितों को दिया जाने वाला सर्वाधिक आम उपहार अनाज था सर्वाधिक आम अनाज था बताओ के रूप में सेवक वर्ग का अभाव था विधिकाल में महिला दास विद्यमान थी क्या होगा इसका आंसर बाईस का बाईस का आंसर बताओ बाईस का तो पुरोहितों को दिया जाने वाला सर्वाधिक आम उपहार अनाज ये नहीं था क्या था गाय थी और निष्क था गाय और निष थी ये उपहार थे तो आंसर वन टू और थ्री ये ठीक है सेव का सेवकर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं सुद्रो के रूप में पुरुष सुक्त वही जो है कौन सा मंडल दसवां मंडल वहां पर पुरुष पुरुषूक्त जो है शुद्ध शब्द का उल्लेख करता है शुद्ध शब्द का अगला निम्नलिखित निम्ल पर विचार कीजिए ये हमने डिस्कस भी किया था एक दिन जब वंश पढ़ा था वहां से महाभाष्य पतंजलि का है तो अष्टाध्यायी किसका है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है वरत कथा गुनाडे का है गुनाडे का है कौन सा सही सुमेलित है यहां से राइट right आंसर थोड़ा ढंग से आंसर देना क्या पता सही हो जाए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्या होगा इसका राइट right आंसर देखो तीनों ही सही है तीनों ही सही है वरत कथा गुनाडे ये पता है वरत कथा पुस्तक गुणाडे गुणाडे किसके दरबार में था हाल के दरबार में था हाल के दरबार में हाल के दरबार में गुणाडे भी था हाल खुद ने एक सात सौ कहानियां सप्त सती प्रेम कहानी इस पर आधारित है सप्त सती वहीं पर अमोघ वर्ष ने कई पुस्तकें लिखी थी और इसके अलावा नागार्जुन भी इनके दरबार में था यानी सात के दरबार में ये मुद्रा राक्षस तो आपको पता ही है महाबसी पतंजलि ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा केवल तीनों ही सही है वन टू और थ्री तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट अगला गुप्तकाल के साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है गुप्तकाल गुप्तकाल आप पढ़ के आए हो गुप्तकाल के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए गुप्त काल के दौरान प्राकृत दरबारी भाषा थी पाली और प्राकृत दो लैंग्वेज है सिंपल याद कर लो कि पाली थोड़ी सिंपल है प्राकृत थोड़ी हार्ड है लोकल लैंग्वेज है पाली पाली बोध धर्म में अपना ही इसलिए बौद्ध धर्म बाहर गया विदेशों में ठीक है लेकिन वही जैन धर्म भारत के अंदर ही कर गया क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी कठोर थी ठीक है गुप्त काल में रसित नाटक अधिकांश हास्य प्रदान या सुखांत थे ज्यादातर नाटक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक ब्रंश कटिगम की रचना इसी दौरान हुई थी गुप्त काल के साहित्य निम्नलिखित तो में से कौन सा सही है बताओ प्राकृत नहीं थी पाली थी गुप्त काल के दौरान पाली पाली और खास करके संस्कृत संस्कृत थी संस्कृत इस टाइम आ गई थी क्योंकि देखो आप प्रसिद्ध संस्कृत जो लिखा गया था वो नाटक इसी के दौरान लिखा गया था और गुप्त काल में कालिदास का नाम बहुत ही फेमस और जोर तरीके से लिया था जोर शोर से इन्होंने अभिज्ञान शांकुतलम ठीक है विक्रमो वर्षीय रघुवंशम कुमार संभव ऐसे कई नाटक और उपन्यास कहानियां लिखी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आ, केवल टू और थ्री ठीक है ऑप्शन राइट है अगला लास्ट क्वेश्चन है पच्चीस गुप्तकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों तो में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो गुप्तकाल के बारे में जब भी आप पढ़ो तो मोटे मोटे प्रशासन के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ेंगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे गुप्तकाल का प्रशासन काफी इंपोर्टेंट है वहां पर विनय स्थिति स्थापक क्या था वो क्या था सब पूछी जाती है वहां से चीजें ठीक है वहां पर राजस्व कोष के अधिकारी को क्या बोलते थे सेना रखता था उसको क्या बोलते थे जो मौर्य काल में हमने पढ़ा था उस प्रकार एक तो वो डिस्कस करेंगे। साथ में जो आप काम करोगे वैसे ही बन जाओगे लेकिन उत्तर वेदी काल में थोड़ा सा अंतर आया और महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई उत्तर वेदी काल आश्रमों की भी स्थापना हुई थी ब्रह्मचार्य ग्रस्त और वानप्रस्त और संन्यास और उत्तर उत्तरवेदी काल में जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वो जन्म आधारित होगी जिस जन्म में लिया आपने जन्म लिया वहीं पर आपको वो काम करना पड़ेगा तो जाति व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई थी गुप्तों के अधीन वैज्ञानिक उत्साह में भारी कमी आई वैज्ञानिक उत्साह और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में राज्य का आक्षेप नहीं था या कम था पर्सनल जीवन में जो है पर्सनल लाइफ में मैटर जो है इंटरफेरेंस कम था पच्चीस में आपको राइट आंसर देना कि सही नहीं है पच्चीस का राइट आंसर देना सही नहीं है ठीक है देखो वैज्ञानिक उत्साह में भारी कमी नहीं भारी बढ़ोतरी आई कमी कैसे आ गई भाई खूब सारे थे वरत संहिता हो गया ठीक है और इसके अलावा जितनी भी खास करके आर्यभट्ट इनके नाम आते हैं बहुत जोरों शोरों से साइंस टैग में सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात करूँ तो गुप्तों का ही है और आर्किटेक्चर में भी गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल का युग कहते हैं तो आज की क्लास को अपन ये रखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पच्चीस क्वेश्चन है कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना और कोई डाउट हो तो जरूर बताना जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर